वित्तीय लेखांकन में जनसंचार एवं जनसंचार एकीकरण के दौरान हम दृश्य श्रव्य सामग्री पढ़ेंगे। इसके अलावा और भी कुछ सामग्रियां हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट तो हमारा दृश्य श्रव्य सामग्री के कार्य के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इसमें छात्रों का ध्यान केंद्रित करना, फर्स्ट पे छात्रों का ध्यान केंद्रित करना, छात्रों का ध्यान केंद्रित करना यानी कि दृश्य श्रव्य सामग्री के माध्यम से किस प्रकार से छात्रों का ध्यान केंद्रित किया जाता है, इसका दृश्य श्रव्य सामग्री का ऐसा कौन सा कार्य है जिसके माध्यम से छात्रों का ध्यान केंद्रित किया जाता है, यानी कि दृश्य श्रव्य सामग्री छात्रों का ध्यान कक्षा में अध्यापक द्वारा पढ़ाए हुए प्रकरण के प्रति, अध्यापक जिस भी प्रकरण को कक्षा में पढ़ा रहा है उसके प्रति उसकी ओर ध्यान केंद्रित करने का कार्य करती है। कौन? दृश्य श्रव्य सामग्री, यानी कि दृश्य श्रव्य सामग्री के द्वारा दृश्य श्रव्य सामग्री का कार्य है छात्रों का ध्यान केंद्रित करना, यानी कि कक्षा में अध्यापन के दौरान या अध्यापन शिक्षण के दौरान जो भी प्रकरण उनको पढ़ाया जा रहा है उस प्रकरण के प्रति छात्रों का ध्यान केंद्रित करना। ऐसा कहते हैं कि छात्रों का मन जब कक्षा में इधर उधर भ्रमित हो जाता है, यानी कि जब छात्रों का मन कक्षा में इधर उधर भटक जाता है या जब वो अपने प्रकरण से हटकर इधर उधर ध्यान केंद्रित करते हैं तब अध्यापक श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग करता है। तब अध्यापक क्या करता है? श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग करता है और छात्रों के ध्यान को एकाग्रचित बनाने के लिए, छात्रों के ध्यान को एक जगह स्थिर करने के लिए इस कार्य का उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है आपका सेकंड है अभिप्रेरणा का कार्य। अभिप्रेरणा के कार्य से तात्पर्य यह है कि शिक्षण की सहायक सामग्री छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करती है। अभिप्रेरणा का मतलब है छात्रों को मोटिवेशन करना, छात्रों को किसी शिक्षण सामग्री में अभिप्रेरणा प्राप्त करना। तो शिक्षण की जो सहायक सामग्री होती है वो छात्रों को सीखने हेतु प्रेरित करती है, छात्रों को कुछ सीखने हेतु, कुछ अनुभव प्राप्त करने हेतु प्रेरित करती है। कौन? दृश्य श्रव्य सामग्री। ठीक है, यदि अध्यापक बही खाता के शिक्षण के लिए, यानी कि अध्यापक बही खाता के शिक्षण के लिए कोई नया प्रतिरूप बनाकर लाता है या नया मॉडल बनाकर लाता है तो कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों की उस मॉडल को देखने की उत्सुकता बन जाती है। यानी कि अगर बही खाता विषय का अध्यापक या वित्तीय लेखांकन विषय का अध्यापक जब कोई भी मॉडल या प्रतिरूप कक्षा में बनाकर लाता है तो छात्रों की उत्सुकता उस मॉडल को देखने के प्रति बढ़ जाती है, उस मॉडल को देखना चाहते हैं, मतलब उनके मन में उत्सुकता उत्पन्न होती है किसके प्रति? उस मॉडल को देखने के प्रति। इस प्रकरण के संबंध में आसानी से ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जब कोई मॉडल बनाकर लाते हैं तो उस प्रकरण के संबंध में या उस प्रकरण विषय सामग्री के संबंध में जब उनके मन में उत्सुकता पैदा होती है तो वही उनके अभिप्रेरणा का कार्य करती है, यानी कि वो जानने की इच्छा और उससे कुछ सीखने की इच्छा, यानी कि जो प्रतिमान जो मॉडल बनाया है उससे कुछ सीखने की इच्छा ही उत्सुकता ही अभिप्रेरणा का कार्य करती है। नेक्स्ट है ज्ञानेन्द्रियों का अधिकाधिक उपयोग। थर्ड है ज्ञानेन्द्रियों का अधिकाधिक प्रयोग। यानी कि कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया के समय सहायक सामग्री का प्रयोग करने से छात्र अपनी समस्त ज्ञानेन्द्रियों से ज्ञान प्राप्त करता है। कहने का मतलब है ज्ञानेन्द्रियों का अधिकाधिक प्रयोग यानी कि कक्षा शिक्षण में, यानी कि कक्षा में जो शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है, जो शिक्षण की प्रक्रिया करवाई जा रही है, उस शिक्षण प्रक्रिया के समय सहायक सामग्री का प्रयोग करना, यानी कि सहायक सामग्री प्रयोग करने से कक्षा में जब एक अध्यापक के द्वारा या किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए शिक्षण कार्य करवाया जा रहा है तो उस शिक्षण में जब सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है तो छात्र अपने समस्त ज्ञानेन्द्रियों से मतलब है उसके आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, मतलब उन सभी ज्ञानेन्द्रियों का अधिकाधिक प्रयोग वो उस प्रकरण को समझने के प्रति करता है, उस प्रकरण को प्रकरण से सीखने के लिए करता है, उस प्रकरण को अधिगम प्राप्त करने के लिए, उस प्रकरण से अधिगम प्राप्त करने के लिए, कुछ सीखने के लिए अपनी समस्त ज्ञानेन्द्रियों का अधिक से अधिक उपयोग करता है।
के दौरान तब छात्र भी अनेक प्रकार से क्रिया करने के अवसर को प्राप्त करते हैं। और उदाहरण के लिए ये है कि जैसे कोई अध्यापक के द्वारा छात्रों को कक्षा में प्रोजेक्टर द्वारा वित्तीय लेखांकन विषय के बारे में कुछ बताना, यानी कि जैसे वित्तीय लेखांकन विषय के बारे में प्रोजेक्टर के माध्यम से, किसके माध्यम से, प्रोजेक्टर के माध्यम से अध्यापक वित्तीय लेखांकन विषय के बारे में चलचित्र दिखाया जाता है, या उस चलचित्र से छात्र अनेक तरह की क्रिया करके सीखते हैं और अपने विषय से संबंधित विचार विमर्श करने का उनको अवसर प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है फिफ्थ, यहाँ देखिएगा फिफ्थ है व्याख्या एवं स्पष्टता। व्याख्या एवं स्पष्टता, फिफ्थ है व्याख्या एवं स्पष्टता। व्याख्या एवं स्पष्टता से तात्पर्य यह है कि कक्षा में जब अध्यापक सहायक सामग्री को उपयोग में लेता है, कक्षा में जब अध्यापक सहायक सामग्री को उपयोग में लेता है या सहायक सामग्री का उपयोग करता है, तब छात्र एकाग्रचित होकर, यानी कि तब छात्र क्या करते हैं, एकाग्रचित होकर पढ़ने के प्रति प्रेरित होते हैं। भाई सहायक सामग्री का उपयोग करता है जब एक अध्यापक, तो छात्र भी उस प्रकरण के प्रति रुचि प्राप्त करते हैं, पढ़ने में अपनी रुचि दिखाते हैं और कठिन से कठिन शिक्षण सामग्री को भी छात्रों के ज्ञान के लिए स्पष्ट हो जाता है। यानी कि जब श्रव्य दृश्य सामग्री के माध्यम से शिक्षण कार्य करवाया जाता है, तो छात्र कठिन से कठिन शिक्षण सामग्री को भी, शिक्षण सिद्धांत को भी आसानी से सीख लेते हैं, आसानी से उसमें ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं, आसानी से उसको सीख लेते हैं। क्यों सीख लेते हैं? क्योंकि वो जो भी उनको प्रकरण पढ़ाया जा रहा है, वो दृश्य श्रव्य सामग्री के माध्यम से उनको पढ़ाया जा रहा है, जिससे उसकी व्याख्या और स्पष्टता साथ में होती चलती है। यानी कि व्याख्या और स्पष्टता साथ में होने के कारण छात्र उस कार्य को आसानी से ग्रहण कर लेते हैं, उस कार्य के प्रति, उस प्रकरण के प्रति, उस विषय के प्रति अपने ज्ञान को विस्तृत कर लेते हैं। इस कार्य में वित्तीय लेखांकन विषय से संबंधित मॉडल भी हो सकते हैं, चित्र भी हो सकते हैं, चार्ट भी हो सकते हैं, मतलब इन सब का सहायक सामग्री के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। वित्तीय लेखांकन में चित्र, मॉडल, चार्ट, इन सब का सहायक सामग्री के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, जिससे उसकी व्याख्या भी की जा सकती है और उसको स्पष्ट तरीके से छात्रों को समझाया भी जा सकता है। साथ में ये भी है कि वित्तीय लेखांकन विषय पढ़ाते समय अध्यापक के लिए श्याम पट का उपयोग अनिवार्य होता है। यानी कि किसी भी सब्जेक्ट को, वित्तीय लेखांकन के अलावा आप सभी सब्जेक्ट को पढ़ाते समय एक अध्यापक, यानी भावी अध्यापक का ये कार्य होता है कि वो श्याम पट का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करे और अनिवार्य रूप से श्याम पट का उपयोग करे, यानी कि ब्लैक बोर्ड का अनिवार्य रूप से वो क्या करे, उपयोग करे। साथ ही साथ श्रव्य दृश्य सामग्री, श्रव्य दृश्य साधनों, श्रव्य